उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। सपा ने कांग्रेस के लिए अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट छोड़ी है। कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही थी। पार्टी को ये उम्मीद थी 5 की डिमांड करेंगे तो कम से कम 3 सीटें तो मिल ही जानी है, लेकिन ऐसा फिलहाल नहीं हुआ है। बार्गेनिंग टेबल पर पार्टी अपनी उम्मीदों के अनुरूप सीटें हासिल कर पाने में फेल रही और सपा ने उसके लिए महज 2 सीटें ही छोड़ी। 2 और 5 सीटों की लड़ाई में सपा और कांग्रेस की दोस्ती फंस गई। कांग्रेस उपचुनाव में महज 2 सीटें छोड़ने के सपा के फैसले से खफा बताई जा रही है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि कांग्रेस यूपी से हट सकती है, किसी भी सीट पर उम्मीदवार उतारने से मना कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस खुद उम्मीदवार ना उतार माऊ की घोसी सीट के लिए हुए उपचुनाव की तर्ज पर सपा का समर्थन कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसे लेकर अभी तक कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। इसे कांग्रेस पार्टी की ओर से फूलपुर सीट के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। अगर फूलपुर की सीट कांग्रेस को मिल जाए, जिस पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, तो शायद दोनों ही पार्टियों के बीच में कोई बात बन सकती है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि फूलपुर उनकी पुश्तैनी सीट है। इस सीट से इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नाम जोड़े गए हैं। इलाहाबाद से सटी हुई इस सीट पर नेहरू परिवार के नाम की वजह से कांग्रेस को लगता है कि उसका प्रभाव अब भी इस सीट पर बना हुआ है। आखिरी फैसले के लिए नजरें दोनों दलों के शीर्ष नेताओं यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर टिकी है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। कांग्रेस की नाराजगी के कारण बताए जा रहे हैं, यूपी में कांग्रेस का संगठित ढांचा वैसे भी बहुत मजबूत नहीं है और दूसरे जो सीटें पार्टी को मिल रही हैं उन पर ट्रैक रिकॉर्ड भी इतना काफी कुछ खास नहीं है। गाजियाबाद शहरी सीट है और इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अलीगढ़ की खैर सीट पर भी पिछले चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार 1500 वोट का आंकड़ा भी नहीं छुपाया था। खैर सीट जिन चारू केन के लिए कांग्रेस मांग रही थी, उन्हें 60,000 से ज्यादा वोट भी नहीं मिले थे, लेकिन तब वो बसपा उम्मीदवार थी। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि जब वे बीजेपी से उसके 2 मजबूत गढ़ में लोहा ले रहे हैं, उनको ऐसी सीट भी मिलनी चाहिए जहां वो जीत की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। इसलिए कांग्रेस मिर्जापुर की मंझावा और प्रयागराज की फूलपुर या इनमें से किसी एक सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकती है।